मेष राशि, नए कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। जीवन साथी की सेहत में सुधार होगा। घर में समय जरूर बिताएं। शुभ रंग है आसमानी। आज अपने कुल गुरु की उपासना या कुल देवी की पूजा अर्चना जरूर करें। वृषभ राशि, रात में अन्न का सेवन अधिक नहीं करना है। रुका हुआ धन मुश्किल से प्राप्त होगा। व्यापार में कोई अभी पैसा ना लगाइएगा। शुभ रंग है आसमानी। आज शिवलिंग पर एक चम्मच घी जरूर चढ़ाएं। मिथुन राशि, अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार दें। नौकरी का नया आपको ऑफर मिलेगा। घर की सफाई पर ध्यान देना होगा। शुभ रंग है गाजरी। आज हरी मूंग का दान जरूर करें। मित्रों, हमारी स्ट्रीमिंग के माध्यम से फतेहाबाद से रचित शेरावत जुड़े, बहुत स्वागत है भैया आपका। और रचित का प्रश्न है कि गुरुजी, 12वीं की परीक्षा में अच्छे मार्क्स मुझे मिल जाएं, मेरे अच्छे नंबर आएं, इसके लिए मैं क्या करूं? देखिए रचित, उपाय तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना होगा। ग्रह और उपाय तभी आपकी मदद करेंगे, तभी आपकी हेल्प करेंगे, तभी आपकी सहायता करेंगे, जब आप खुद विद्या में जो है ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे, वो भी कड़ी। उसके बाद ही आपको सफलता मिलने का योग बनेगा। लेकिन उपाय आप सुन लीजिए, आपकी पत्रिका के योग संयोग बहुत उत्तम है। देखिए, सबसे पहले आपको आपकी पत्रिका से अवगत करा दूं, वृश्चिक लग्न की पत्रिका, गुरु सूर्य और चंद्रमा की युति लग्न में ही है। गुरु यहां पर अपने राशि को यानी कि पंचम भाव को देख रहे हैं। तो देखिए, परीक्षा में तो आप सफल होंगे ही, अच्छे मार्क्स के लिए हो सके तो जब भी आप परीक्षा के लिए निकलें, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए। हो सके तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीली मिठाई दे दीजिएगा, माथे पर केसर का तिलक कर लीजिए, भगवान सूर्य के दर्शन कर लीजिए, और गहरे और काले नीले रंग के वस्त्र भूलकर भी ना पहनिएगा, वरना मन में अस्थिरता बनी रहेगी। तो रचित, उम्मीद है अपने उपाय आपने नोट कर लिए होंगे, बस इन्हीं उपायों को करना होगा, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ आप सफल अवश्य होंगे। आइए मित्रों, बात कर लेते हैं पहले उस महोपाय की जो धन की समस्या को खत्म करेगा। देखिए, प्रदोष काल में कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिलाइए। अब यह केसर मिश्रित दूध शिवलिंग पर एक धारा के साथ चढ़ाइए। वहीं पर बैठकर या खड़े होकर महालक्ष्मी स्तोत्र का कम से कम एक बार पाठ जरूर करिए। आइए अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशि। कर्क राशि, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, संतान की तरक्की होगी, परिवार में शांति बनाए रखें। शुभ रंग है आपके लिए कत्थई। आज जल का अपव्यय बिल्कुल ना करें। सिंह राशि, पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा, पड़ोसी से मित्रता मजबूत होगी, उधार दिया हुआ धन आज डूब सकता है। शुभ रंग है आपके लिए कत्थई। आज गेहूं, गुड़ और चावल का दान करें तो कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ कार्य बन सकता है। कन्या राशि, मित्रों आज सड़क पार करते समय आपको ध्यान रखना होगा, संतान के कारण थोड़ा सा चिंता हो सकती है, मेहमान आने का योग बना हुआ है। शुभ रंग है आपके लिए लाल। आज केसर का तिलक जरूर करें। मित्रों, हमारे साथ सिमरन जुड़ गई है दिल्ली से, बहुत स्वागत है आपका सिमरन जी। और सिमरन जी का प्रश्न है कि मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा, क्या मैं जॉब चेंज करूं, ये सही रहेगा या नहीं? देखिए सिमरन, आपको बता दूं, धनु लग्न की पत्रिका लग्न में केतु, सप्तम में राहु, सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति कुंडली के द्वितीय भाव में। यहां पर अगर आप चाहें तो कुंडली के दशम भाव के मंत्र का जाप करिए। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को जल में थोड़ा सा रोली मिलाकर अर्घ देना शुरू करिए। माथे पर शुद्ध हल्दी या केसर का तिलक करिए। आपको नौकरी या जॉब चेंज करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मार्च 2024 के बाद आपको मेहनत का फल भी मिलेगा। आप थोड़ा सा सब्र और धैर्य बनाए रखें। आइए मित्रों, बात करते हैं दूसरे उस महाउपाय की जो आपकी आजीविका की समस्या को खत्म करेगा। मित्रों, आपने भरसक प्रयास कर लिए हैं, नौकरी, व्यापार और आजीविका में समस्या बनी हुई है, बिल्कुल ना घबराइए। आज रविवार का दिन है, तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, लाल मिर्च के 11 बीज उसमें डालिए, लेकिन मिर्चों के बीज सूखे होने चाहिए। अब यह जल भगवान सूर्य को अर्पित करिए, वहीं सूर्य को नमस्कार करिए, सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करिए, आपको आजीविका में सफलता जरूर मिलेगी। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशि। तुला राशि, साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप आज टूट सकती है।
मित्र से मतभेद खत्म होंगे, दैनिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी, आज ज्वार का दान जरूर करें। वृश्चिक राशि, नौकरी में बड़ा बदलाव हो सकता है, सेहत में उतार चढ़ाव होगा, धन खर्च बढ़ेगा। शुभ रंग है लाल, आज सुबह के समय योग या फिर ध्यान जरूर करें। धनुराशि, प्रेम संबंधों में खटास बिल्कुल ना आने दें, सेहत का ध्यान रखना होगा, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग है पीला, आज पीली मिठाई का दान करें तो सर्वोत्तम है। आइए मित्रों बात करते हैं तीसरे उस महाउपाय की जो आपकी सेहत को अच्छा करे। देखिए, अपनी आंखों की सभी प्रकार की समस्या के लिए बादाम, चना और मिश्री समान मात्रा में आप पीस लीजिए। सुबह के समय खाली पेट इसका सेवन करिए, ऐसा करने से आपकी आंखों की समस्या खत्म होगी। लेकिन मधुमेह के रोगी, डायबिटिक जो लोग हैं, वो इसमें मिश्री का प्रयोग ना करें। आइए मित्रों जान लेते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशि। मकर राशि, हृदय रोग से बचाव करें, परिवार में वाद विवाद खत्म होगा, धन किसी को उधार ना दें। शुभ रंग है गेरुआ, आज शनि मंत्रों का जाप सर्वोत्तम रहेगा। कुंभ राशि, नई संपत्ति अभी ना खरीदें, मित्रों का सहयोग मिलेगा, अचानक धन का लाभ भी होगा। शुभ रंग है आपके लिए नीला, आज अपने कुल देवता का ध्यान जरूर करें। बात करते हैं मित्रों मीन राशि की। काम के बोझ से आपके स्वास्थ्य की समस्या थोड़ा बढ़ सकती है, नौकरी में परिवर्तन का योग है, धन प्राप्ति का प्रबल योग भी बना हुआ है। शुभ रंग है आपके लिए मरून, आज केसर का तिलक माथे पर अवश्य करें। आइए मित्रों बात करते हैं अंतिम उस महाउपाय की जो हर दुख परेशानी के साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी आपको बचा लेगा। अपने घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल का एक दीपक जलाएं और पंचमुखी हनुमान कवच का कम से कम 3 बार पाठ करें। यह छोटा सा उपाय हर नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचाएगा, हर दुख परेशानी संकट से भी आपको अवश्य बचाएगा। तो मित्रों आज हमने आपको बताया कि एक छोटा सा उपाय करके अगर आप अपने घर से निकल जाएं तो बहुत समय पुराना बिगड़ा हुआ कार्य भी इस छोटे से उपाय से बन सकता है। तो अपनी राशि अनुसार अपने उपाय नोट कर लिए होंगे, अपने उन उपायों को संभाल कर रखिएगा। अपने मित्र सखा रिश्तेदारों के साथ भी इस राशि अनुसार उपायों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।